दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताकि तनवीर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार से दूरी का मात्रक किलोमीटर या मीटर होता है, जिस प्रकार से हम लोग फल लेते हैं तो हम लोग उसको किलो में तोलते हैं। जैसे हम दूध या चीनी, दाल चावल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं सामान, उसको हम किलो में तोलते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जो भी हम लोग डाटा ट्रांसफर करते हैं, लेते देते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वह उसका मात्रक क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मात्रक क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में और कैसे काम करता है, कोई भी वीडियो कितने MB/GB की भी क्या होता है। दोस्तों, मैं बीच में एक बात बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हम देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट के बाद यूनिट और डिस्क्रिप्शन, इकाई और डिस्क्रिप्शन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बीट, निबल, बाइट इस प्रकार से लिखे हुए हैं और इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि क्या होता है। दोस्तों, मैं एक बार आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वह जो भी डेटा होता है वह बाइनरी डिजिट में सेव करके रखता है। यहाँ पर जो बीट लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूँ इसको, बीट का जो पूरा पॉइंट होता है वो बाइनरी डिजिट होता है, लेकिन यह केवल इतने पॉइंट पड़ता है। यहाँ से इस बी को लेता है, इसको टी को लेता है, और इस दोनों को मिला करके बन जाता है बिट। तो बिट के अंदर जो हमारा ये होता है यह सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें केवल दो संख्या होती हैं, जीरो और वन, या केवल जीरो या केवल वन हो सकता है। इसके अलावा इसमें आप ए बी सी डी क ख ग कुछ भी जो भी संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्या हो सकती है। इसके बाद आता है बिट के बाद हमारा आता है निबल, और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। यहाँ पे 4 बिट का मतलब ये होगा 4 डॉट ऐसे, ठीक है। दोस्तों, मैं बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर समझ में आ रही है तो कृपया लाइक कर दें हमारे वीडियोज को। अगला पॉइंट है 1 बाइट के अंदर 8 बिट। आप इसके अंदर एक नोटपैड वगैरह की फाइल को रख सकते हैं। थोड़ा 2-3 पॉइंट हमको समझना होगा, उसके बाद मैं एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप आसानी से इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक चीज समझ आ रही होगी यहाँ पर कि जितने 3 पॉइंट को छोड़कर बाकी सबके सामने वैल्यू जो दिख रहा होगा आपको, 1024 दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद फिर मात्रक का अंतर है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। कोई भी पूछे कि 1 GB में कितना होता है, तो आप एकदम आंख बंद करके 1024 नोट करें। इसके बाद क्या करना है आपको, आप ध्यान दीजिए जीबी के ऊपर क्या होता है MB, बस इसके बाद लिख दें यहाँ पर MB, आसानी से ये समझ आ जाएगा। मैं एक उदाहरण खोल, जैसे मान लीजिए कोई किसी ने पूछा कि 1 MB कितना होता है, तो आप आंख बंद करके लिख दीजिए 1024। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 MB के ऊपर, MB के ऊपर क्या होता है हमारा KB होता है, KB को किलोबाइट होता है और इसका शॉर्टकट KB होता है, बस ये आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आप, मैं आपको और तरीके से समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, जो मैंने कहा कि बस ऊपर वाले पॉइंट को लेना है, बस ध्यान दीजिए 1 KB 24, इसके ऊपर ये वाला 1 MB 24 इस पॉइंट के लिए, ऐसे आप आसानी से समझ सकते हैं सारे मात्रक को। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं वीडियो बना सकूं।